नमस्कार, आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में एक ऐसे विषय के साथ। मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत, मतलब मन मन के आगे जीत। मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत। कहने का मतलब ये है कि मन के आधार पे हमारा जीवन चलता है, और जिसका मन मजबूत है वो जीवन में सफल होता है। चंद्रमा की बात हम करेंगे, चंद्रमा से संबंधित कुछ चिन्ह मैं आपको बताऊंगा, चाहे तारा का चिन्ह हो, चाहे क्रॉस का चिन्ह हो, चाहे वो त्रिभुज का चिन्ह हो, चाहे वो एंगल हो, कोण जिसे कहा जाता है, चाहे वो जाल हो, चाहे वो चेन हो, क्या मतलब है चंद्रमा के क्षेत्र पे, बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हम पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, और इससे बनने वाले राजयोग लंबे समय तक रहते हैं। कहते नहीं है कि मैं फेमस होना चाहता हूँ, पंडित जी मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, मैं फिल्मों में हूँ, मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे काम कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ बड़े पद तक का। चंद्रमा, सूर्य तो है, चंद्रमा भी साथ में है। चंद्रमा अगर कहा जाए जैसे पॉलिटिक्स की बात की, तो वो क्षेत्र को दिखाता है, प्रदेश को दिखाता है। सूर्य अगर कहा जाए केंद्र की राजनीति कराता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तारा पे। तारा मतलब स्टार। ये स्टार का साइन अगर चंद्र के क्षेत्र पे बने और छोटा हो, देखिए एक चीज समझिए, दोनों में भी अंतर है, छोटा और बड़ा दोनों ही अलग अलग है। अभी मैं एक एक करके बताता हूं। अगर स्टार का साइन अगर कहा जाए छोटा है और इस जगह पे बन रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा पैसे के लिए सामान्य है, पैसे से संबंधित चीजों में सामान्य है। ऐसे लोग दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, शोधकर्ता बहुत अच्छे होते हैं, शोध करने का बड़ा शौक होता है, ज्योतिष बन सकते हैं, गुण ज्ञान के लिए अच्छा कहा गया है। यात्राओं से संबंधित चीजों के लिए अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। जल से नुकसान को भी दिखाता है, मानसिक रोग को भी दिखाता है, सर पे चोट लगती है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को अपने पेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पाइल्स बवासीर जिसे कहा जाता है, पेट से संबंधित समस्या को भी दिखाता है। मित्र बड़े सीमित होते हैं, देखिएगा अपने हाथ पे, देखिएगा कितनी मित्रता होगी आपकी, कितने मित्र आपके काम आते होंगे। अगर आपके स्टार बना है तो मित्र आपके सीमित होंगे, या मित्रों का फायदा या मित्रों का लाभ या आपके मौके पे मित्र आपके खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे, दिमाग स्थिर नहीं होने देता। ये हो गया एक छोटे तारा। अगर ये स्टार का साइन बड़ा है, इसका क्या मतलब है? नकारात्मक सोच को दिखाता है। ऐसे लोगों को दवाई, जो दवाइयां खाते हैं बहुत सारे लोग, जो उठाया और खा लिया, दवाइयां बड़ी सोच समझ के खाना चाहिए। विष से संबंधित चीजों के लिए दिखाता है, शरीर में विष बनाता है, कफ की समस्या, नजला जुखाम इत्यादि चीजों को दिखाता है, मानसिक तनाव को दिखाता है, शारीरिक ऊर्जा में कमी को भी दिखाता है, बेहद आलसी बनाता है, खूब आलसी, ठीक है कल कर लेंगे, आज नहीं कर पाएंगे कल कर लेंगे। आंत से संबंधित समस्याओं को भी उत्पन्न करता है, आंत, ठीक है, खाने वाली जो आंतें होती हैं उससे संबंधित रोगों को भी दिखाता है। अगर यहां पर क्रॉस का साइन है, इस जगह पे क्रॉस का साइन है, दिमागी कमजोरी को दिखाता है, नशे से समस्याएं, नशा, ऐसे लोग नशा करते हैं और नशे में जो है अपने चीजों को, अपने शरीर को, अपने भविष्य को खराब करते हैं, अपनी गलतियों के कारण अपने जीवन में जीवन का नुकसान करते हैं ऐसे लोग, असफलता को दिखाता है, आलस्य को दिखाता है, झूठ बहुत बोलते हैं। देखिएगा क्रॉस का निशान अगर इस जगह पे तो है, खूब झूठ बोलेंगे, कल्पना खूब करेंगे कि मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर जाऊं, लेकिन स्थिर। यूरिन इन्फेक्शन या मूत्र से संबंधित रोगों को भी दिखाता है, और ऐसे लोगों को विदेश से संबंधित यात्राएं बहुत देख दाख के सोच समझ के करनी चाहिए, विदेशी यात्राएं। अगर यहां पर त्रिभुज है, इसका क्या मतलब? कार्य क्षेत्र में सिद्ध और सफलता, ये सफलता का सूचक है। ऐसे लोग प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं,
जितना बड़ा होगा ये ट्रायंगल आपका जो है, जितना बड़ा होगा उतनी ही सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा, कई लोग पूछते हैं कि विदेश जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, अगर ट्रायंगल है तो जाओगे, प्रयास और मेहनत भरपूर रखो, मेहनत करो विदेश जाओगे आप। मिलनसार होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग दिल के साफ होते हैं, सभी कार्यों में नियमता कार्य करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल ये है ठीक है, अगर ये ट्रायंगल इस टाइप से है, अभी जो मैंने बताया ये ऐसे बताया, अगर इसका मुंह इस टाइप में है ठीक है, केतु के क्षेत्र की तब देखता हुआ, तो गुप्त विद्या के लिए अच्छा है, ज्योतिष के लिए अच्छा है, ज्योतिष से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, अंतर्ज्ञान देता है, पहले से व्यक्ति को कहीं ना कहीं आभास हो जाता है चीजों का कि मेरे साथ अच्छा होने वाला है कि मेरे साथ खराब होने वाला है। महिलाओं से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। अगर इस जगह पे जाल का निशान है, ये जाल निराशा, सफलता में अटकाव, नेगेटिव थिंकिंग, मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, ये वाली दिक्कतें, ऐसे लोग बड़े शक की प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए शक अगर कहा जाए हर जगह सही नहीं है, और खासकर वैवाहिक जीवन में या घर परिवार में तो बेहद नुकसानदायक है। ये शरीर से संबंधित चीज़ों में नुकसान को भी दिखाता है और नकारात्मक सोच को भी दिखाता है। अपयश मिलता है, ऐसे लोगों को यश नहीं मिल पाता। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें भी कलेश है, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए अगर यहाँ पर जाल बन रहा है। ऐसे लोगों का पेट दर्द या माइग्रेन से संबंधित समस्या को भी ये इंगित करता, मतलब तय है, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये तय वाली बता रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है। अगर इस जगह पे काला तिल है, अगर इस जगह पे काला तिल और सामान्य है, बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है, माता को कष्ट देता है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते, पितृदोष से संबंधित चीजों को भी दिखाता है, विवाह में विलंब को भी दिखाता है, महिला को शारीरिक कष्ट को दिखाता है, अगर पुरुष के हाथ में बन रहा है तो उसकी जो भी जीवन साथी होगा उसके कहीं ना कहीं शारीरिक कष्टों को दिखाता है, जीवन साथी के हार्मोन से संबंधित समस्या को भी दिखाता है। जब भी विवाह हो अगर काला तिल है पुरुष के हाथ में तो बच्चे से संबंधित चीजों में ऐसे लोगों को लेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है काला तिल होने के बाद, सीधे सीधे ये समझ लीजिए जो चीज़ें मैंने बताई उनका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर इस जगह पे व्रत का साइन है, व्रत मतलब गोल, पॉलिटिक्स के लिए बेहद अच्छा, राजनीति करना चाह रहे हैं बेहद अच्छा, विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं बेहद अच्छा, स्वभाव ऐसे लोगों का थोड़ा हिंसक होता है, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, प्रेम में अगर कहा जाए प्रेम असफलता को दिखाता है, प्रेम चल जाएगा लेकिन प्रेम विवाह में बदल जाए बहुत बड़ी बात है। सर्दी जुखाम सारे थायराइड से संबंधित समस्या ये इसको भी इंगित करता है। अगर इस जगह पे द्वीप का चिन्ह हो, अगर द्वीप का चिन्ह है उसका क्या मतलब है, द्वीप का चिन्ह मतलब हो गया कहीं ना कहीं व्यक्ति की वाणी खराब होगी ठीक है, वाणी से संबंधित चीजों में ये तनाव देगा, वाणी खराब करेगा, बोलने का ढंग अपने अपना जो है आपको बेहतर रखना पड़ेगा, शकी स्वभाव का भी ये इंगित करता है, ये दिखाता है व्यक्ति शकी प्रभाव का होगा। ये कुछ निशान मैंने आपको बताए जो चंद्रमा के क्षेत्र पे है उनका क्या फल है। जाते जाते एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर कोई रेखा ना हो अच्छा है, अगर यहां पर एक रेखा हो, केवल एक रेखा, ऐसी भी हो सकती है या फिर ऐसी भी हो सकती है, या इस टाइप में रेखा जो मैंने दोनों खींची है, राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है, लेकिन ध्यान रखिए रेखा टूटी ना हो, रेखा कटी ना हो, रेखा के ऊपर इस टाइप से ना बन रहा हो, इस टाइप से ना बन रहा हो, सिंपल एक रेखा ऊपर हो बेहद अच्छा, उसके साथ में अगर एक रेखा और है बेहद अच्छा, या फिर केवल यही रेखा हो, या फिर केवल यही रेखा हो, सभी चीज़ों को मैं कहूँगा कि ये राजयोग के समान है, जीवन में सफलता की सूचक है। अगर एक रेखा पट हो या खड़ी हो या मिल रही हो तो विदेश जाके व्यक्ति काम करेगा और विदेश में अच्छा धन कमाएगा, विदेश जरूर जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं।
अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सभी से। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।